अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम सब लोग कितना परेशान थे। हमारे कपड़े यहाँ कैसे? ये तो तुम्हें बताओगी ना कि ये कपड़े यहाँ कैसे आए और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ और तुम कैदियों के कपड़े में क्यों हो? हाँ बिटिया, कहाँ थी? क्या हुआ था बेटा? थोड़ी उसी का होगा जिसने हमारे खाने में ही जानवर वाला खाना मिलाया। जहाँ हमने दुकान लगाई थी वहाँ जाके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अगर हम पूरी बात बताएंगे तो तिफम जी परेशान हो जाएंगे। माफ कीजिएगा भोलेनाथ, हमें कुछ बातें छुपानी होंगी। बताओ राधिका, क्या हुआ था? वो धर्म जी, उस दिन ठेला लगाया था ना, तो हमारी पायल वहाँ पे गिर गई थी। हम बस वही लेने गए थे और पायल थी कि लौट ही रहे थे, तो अचानक से काफी देर हो गई है, घर पे भी सारा काम पड़ा है। इस गली से चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर क्या हुआ? हाय भगवान, शांत हो जा राधिका। ये लो पानी पियो। ओके,
कोई जल्दी नहीं है। फिर क्या हुआ? ये हम कहाँ आ गए? हमारे कपड़े? कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। फिर तू वहां से निकली कैसे? वो दिव्यम जी, हमारी हालत वहां पे बहुत ज्यादा खराब थी। भूख और प्यास से बहुत परेशान हो रहे थे हम, लेकिन कोई तो अनजानी शक्ति थी जिससे हमें हिम्मत मिल रही थी। दिव्यम जी, हमने बहुत कोशिश की चिल्लाने की, वहां से निकलने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर वहां पे एक रोशनदान था जिसका पल्ला टूट के गिर गया था। शायद आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा से आज हम सही सलामत यहाँ पर वापस लौट आए हैं। वाह राधिका, क्या जबरदस्त कहानी बनाई है तुमने। इसके लिए तो तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या कमाल लेखक हो तुम। बड़ी दादी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम सच बोल रहे हैं। ये कहानी नहीं है तो और क्या है? हर घटना, हर मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाती है। कभी तुम किडनैप हो जाती हो, कभी कुछ और हो जाता है। एक कहानी तब बताई थी और एक कहानी आज बता रही हो। आप शायद भूल रही हैं बड़ी दादी, लेकिन पहले राधिका ने जो कहा था वो कहानी नहीं थी, वो असली में किडनैप थी। और उसे किडनैप किसी और ने नहीं, ये कली भाभी ने किया था। और कौन है वो उसके गांव वाले, बेराई मुलाई? लेकिन उनको भी राधिका ने माफ कर दिया और उन्हें सजा नहीं दिलाई, तो अभी वो झूठ क्यों बोलेगी? कहानी क्यों बनाएगी वो? अपनी ऐसी हालत जानबूझकर क्यों करेगी वो? क्योंकि उसको चुनौतियों का सामना न करना पड़े। ताकि हम तरस खाकर उसे अपना ले। ये इतना गिर जाएगी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसने तो हम पे पाप लगाना चाहा, बंसल खानदान की इज्जत को बर्बाद कर देना चाहा। नहीं परी दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटे हैं। अपने सारे काम हमने पूरी शिद्दत और श्रद्धा के साथ पूरे किए हैं। पर बड़ी दादी, अभी भी हम झूठ नहीं बोल रहे, आप हमारा यकीन कीजिए, हमारी कही हर बात सच है। हम कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रही हो? और क्यों करें? तुम घर से गई थी तो किसी को कह के गई थी? जब तुम पायल लेने गई थी तो किसी को कह के जा सकती थी ना? बस तुम तो अकेले हीरोइन बनने चली गई थी। तुम्हें पता है घर की हालत क्या हो गई थी? और ये प्रभा, ये बेहोश होते होते बची थी। दादी प्लीज, राधिका को इतनी मतलब ही नहीं है जो अपने फायदे के लिए परिवार को इतनी तकलीफ में डालेगी। और अगर वो नाटक कर रही थी तो किसी अनजान औरत के शरीर पे राधिका के कपड़े कैसे आ सकते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? हाँ है, उसने हॉस्पिटल वालों को घूस दी होगी। हम ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानते हैं। प्लीज बड़ी दादी, कभी कभी ना आप अपनी सारी हदें पार कर देती। राधिका का साफ मन सबके सामने है और उसने कई बार उसका मन साफ है इसका सबूत भी दे चुकी है वो। लेकिन अगर आपको अभी भी उस पर विश्वास नहीं है, इसमें राधिका की कोई गलती नहीं है, तो बार बार राधिका पर इल्जाम लगाना आप बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ बुआ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। हेलो जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या सिटी हॉस्पिटल? एक मिनट जी बोलिए। जी, जिस महिला की पहचान करने आप आए थे ना, उसका डीएनए टेस्ट हुआ है जिसमें वो एक कैदी निकली है। वही जो आपकी पत्नी के कपड़े और गहने चुरा के भागी थी और एक गाड़ी के नीचे आ गई।
पुलिस ने उसकी लाश की पहचान कर ली है, बस यही बताने के लिए आपको कॉल किया था। जी थैंक यू। अब आपको यकीन हो गया बड़ी दादी, या और सबूत चाहिए? हो सकता है ये भी कोई नाटक हो। बड़ी दादी, आज नहीं तो कल आपको हमारी बात पर यकीन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब हम चुनौतियों से भागने की वजह से कर रहे हैं, तो हमें आपकी सारी चुनौतियां मंजूर हैं। ठीक है, तो हम अभी चुनौती देते हैं तुमको। बस कीजिए बुआ जी, बिचारी की हालत तो देखिए, अभी अभी बच्ची बाहर से आई है, आप राधिका से कोई बात नहीं करेंगे किसी बारे में? बिल्कुल जी, थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए नाराजगी में, आप इतनी कठोर दिल तो मत हो जाइए ना। राधिका चलो कमरे में, कपड़े बदल लो और आराम करो। हाँ बेटा देखो जाओ। एक मिनट दिव्यम जी, थैंक यू भोलेनाथ हमें हमारे परिवार से, हमारे दिव्यम जी से मिलवाने के लिए। ये तो ताई जी ने जो अंगूठी सुनार के पास दी थी उसकी रिसिप्ट है, कहीं वो ना ताई जी की अंगूठी का तो नहीं? मैं सुनार के पास गई थी, ये जो मेरी अंगूठी है ना वो ढीली हो गई थी, तो मैंने सोचा ये सही करवा के लाऊं। मैंने तुमसे कहा था ना किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। फिर ताई जी वो अपने आप ही हवा से उड़ के हमारे पास आया। अब ठीक है ठीक है, वैसे मैं बहुत देर से ये सुनार की रसीदें ढूंढ रही थी, अच्छा मुझे मिल गई। वैसे ताई जी आपको अंगूठी में क्या करवाना था? राधिका बहू मुझे कुछ भी करवाना हो तुमसे मतलब? नहीं हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि आप इतने दिनों से सुनार के पास जा रही है लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया। तो अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या राधिका बहू? तुम्हें जासूस बनने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। हमें पता करना होगा कहीं वो ना ताई जी की अंगूठी का तो नहीं। ये गेम तो बहुत अच्छा है, हम इसमें हाई स्कोर बनाकर रहेंगे। भाभी क्या किया आपने? अरे आपकी वजह से हम गेम हार जाएंगे। तुम्हें यहाँ गेम की पड़ी है सुजाता, वहाँ तुम्हारी गोलमुखी बहू मेरी इज्जत खराब करने पे तुली है। मतलब? मतलब ये है सुजाता, राधिका के सर पे जासूसी का भूत सवार हो गया है। मुझसे सवाल जवाब कर रही थी, मैं सोनार के पास क्यों गई थी, कब गई थी, इतना टाइम क्यों लगा दिया, ये सब कहाँ खो गई हो तुम सुजाता? एक तो अपनी गोलमुखी बहू को इस घर से बाहर निकाल नहीं पाई, तो कम से कम उस पे लगाम तो लगाओ। भाभी आपने तो बड़ी लगाम लगा रखी अपनी बहू पर, जो आप ये हमें सिखा रही हैं। सुजाता मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तमीज से बात करो। तो आप ऐसे काम किया करिए कि हम आपके साथ बदतमीजी ना करें। तुम हर बार इस तरीके से बात क्यों करती हो सुजाता? अरे आप हमारे साथ ऐसे बात क्यों करती हैं? चुप हो जाओ। तुम दोनों फिर जंगली बिल्लियों की तरह शुरू हो गई। मम्मी जी मैं चुप, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतनी बड़ी हो गई हो, सास बन गई हो तुम दोनों, एहसास है इस चीज का? दोनों एक दूसरे की देवरानी जेठानी हैं, क्या सीखेंगी दोनों बहुएं तुमसे? पर मां हम चुप रहो। उफ सिर दर्द हो रहा है मेरा। सुजाता जी मां, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। और तुम कहां जा रही हो? तुम मेरे सर की मालिश कर दो। आखिरकार राधिका भाभी से
इतने सवाल क्यों कर रही थी? क्या अंगूठी तैयार होगी? आप आदमी भेज रहे हो? मेरी अंगूठी देख के कहीं नजर ना लगा दे, बाहर से लेकर छुपा कर अंदर लाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद आती हूँ आपकी दुकान पे। हाँ हाँ, 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ पहुंच गई बस। ये ताई जी अपने जेवर लेके दुकान क्यों जा रही है? उन्हें क्यों नहीं आने दे रही? कहीं कुछ, हम जाकर देखते हैं। और गोलू बोलू, क्या हाल है? तुम तो खुद को बड़ा निर्दोष साबित करने वाली थी ना, क्या हुआ? टाइम टाइम फिश हो गई ना? मैं अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, पर कैसे करें? कोई सबूत ही हाथ में नहीं लग रहा है। ये भोलेनाथ, हम अपने परिवार पर शक करके पाप तो कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के सर से बदनामी का दाग हटाने के लिए हमें पता लगाना होगा कि जाने अनजाने में सही पर ही गलती हुई किससे है। नमस्ते सोनार जी, आपने वो फोन किया था, मेरी अंगूठी सही हो गई है? बिल्कुल तैयार है, आप खुद ही देख लीजिए। अरे वाह, मैं देख लेती हूँ। ताई जी की अंगूठी में तो कोई नग नहीं है, इसका मतलब ताई जी ने हमारे खाने में जानवरों वाला खाना नहीं मिलाया था। तो फिर किसने किया ये सब? माफ कीजिएगा बड़ी दादी, बस हम दूसरे काम से थोड़ी देर के लिए गए थे। कौन से काम से गई थी तुम? कहाँ गई थी, क्यों गई थी तुम राधिका? खड़े खड़े हमारा वही निहारती रहोगी क्या? जाओ जा करके बुआ जी के कमरे से अच्छा वाला बाम लेकर के आओ। माँ जी, हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए ना गर्म पानी ले आते हैं। बस राधिका, तुम कोई और काम मत करो, जो बोला है बस वो करो। जाओ जा करके वो अच्छा वाला बाम लेकर के आओ, उसी से हमको आराम मिलेगा। और देखो वहां से कोई दूसरी चीज गायब मत कर देना। जी जी, राधिका इस घर की बहू है। ओ प्रभा, हम तो भूल ही जाते हैं, पर पता नहीं क्यों इसको देखकर हमें ऐसे ही लगता है कि ये इस घर की नौकरानी है। अब देख क्या रही हो, जाओ। कविता। जी मम्मी जी। तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उठाओ सुजाता को, कमरे में लेकर जाओ। इसे उठाने में मेरी कमर टूट जाएगी मम्मी जी। मैं कली, तुम क्या मुस्कुरा रही हो? मदद करो कविता की। जी चलो। हाँ। गोलू भैया, गोलू भैया, क्या गाने गा रहे हो आप? हम लोग जो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जब तक पहुंचेंगे मीटिंग शुरू होने का टाइम हो गया होगा। ये पीपीटी अभी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सही कह रहा है। कत्ती निकी, क्या हो गया? अरे जल्दी जल्दी में मैं लाना भूल गया। आप भी ना बोलो भैया, क्या करते हो? एक काम करता हूँ, कली को फोन करके बोलता हूँ कि पीपीटी की एक एक फोटो खींच के मुझे भेजे। जी गोलू जी, बताइए।
हेलो कली, ये आवाज कैसी थी? क्या बताएं गोलू जी, यहाँ ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बेचारी चाची सास जी फिसल कर गिर पड़ी। क्या? हाँ, और उनकी कमर में बहुत ज्यादा चोट आई है। क्या हुआ गोलू भैया, घर पे सब ठीक है ना? कली बता रही है कि चाची जी को बहुत चोट आई है, वो फिसल कर गिर गई। वहाँ को चोट लगी? तो गुरु भाई, आप मीटिंग पोस्टपोन कीजिए, हम अभी कभी घर सारे। तो यू टर्न ले। बड़ी दादी बाम हमेशा इसी ड्रॉर में रखती हैं। ये तो किसी जानवर का पट्टा लगता है, पर ये बड़ी दादी के कमरे में कैसे? कि इस दाल में कुत्तों का खाना मिलाया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हम ये क्या सोच रहे हैं? बड़ी दादी, या तो अपने आप को साबित कर दो, और अगर नहीं साबित कर पा रही हो तो बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाओ। क्या सच में उन्होंने हमारे खाने में जानवर का खाना मिलाया? दर्द है? पता नहीं ये राधिका कहाँ चली गई। हम जानते हैं कि वो कहाँ है। राधिका अभी भी ये पता कर रही है कि उसके खाने में जानवरों का खाना किसने मिलाया था, इसीलिए वो घर वालों पे शक कर रही है। अच्छा मौका है, उसका शक बुआ जी पे जाए, हमें ऐसा कुछ करना होगा। एक बार वो इस पर सवाल उठाएगी और सीधा घर से बाहर जाएगी। ये कुत्ते का पट्टा है, इसे यहाँ पर बुआ जी के सामान के साथ रख देते हैं। जब राधिका की नजर इस पर जाएगी तो उसके दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ेगा। राधिका, अब तुम्हारी इस घर में उल्टी गिनती शुरू। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।